टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी पूरी तफसील के साथ में अपने अखबार में इसे छापा। तो सर, रिजवान अली जैसा एक आपके शहर का एक व्यक्ति, उसके अलावा और भी कई ऐसे केसेस यहाँ हुए होंगे, तो जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्हें पीटा जाता है, तो ये कानूनी तरीके से उनके पुलिस वालों के खिलाफ में सामने क्यों नहीं आते? आप जिस रिजवान की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई रिजवान नाम का शख्स आज तक अकोला के इतिहास में किसी पुलिस स्टेशन में नहीं गया कि उसे पीटा गया हो। पहली बात, जो आंदोलन हुआ था नागपुर शहर में, अभी तकरीबन 2 हफ्ते हुए इसे, नागपुर शहर में जुमे का दिन था, और रिजवान अली नाम का ये बंदा 10 दिनों तक नागपुर के मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती रहा। आप जिस रिजवान की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि ऐसा मारपीट हुई हो, इससे इनकार नहीं है, लेकिन अकोला शहर का एक हमारा एक अलमिया रहा है, एक हमारी बदनसीबी है कि यहाँ पे जिन लोगों को हमने अपना नेतृत्व माना है, आम लोगों ने, जनरली वही लोग हमारे मुद्दों के गला घोटने वाले निकले, ऐसा हमने देखा है। और आप अगर अभी की करंट की घटनाक्रम को हम देखें, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से खासतौर पे माइनॉरिटीज़ के एडवोकेट्स ने जिस तरह से लोगों को इंसाफ दिलाने का काम किया है, तो मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है अकोला के। आज की तारीख में जो पीड़ित शोषित तबका है, जो मजलूम तबका है, वो कहीं ना कहीं वकीलों के हाथ में आया है, और उनके लिए सिर्फ न्याय देने का काम एडवोकेट्स और न्यायपालिका ही कर सकती है, ना कि कोई लीडरशिप। दूसरी बात, हम तो कई दिन, हम लोगों ने तो कई मर्तबा इस पूरे मामले में गौरव फिक्र किया कि हमको मालूम पड़ रहा है कि हमारे भी ज़ख्मी हैं, लेकिन वो ज़ख्मी कहाँ है हमें समझ में नहीं आया। अकोला में तो कोई ज़ख्मी हमें मिला नहीं, और जो लोग, चंद लोग मिले भी, तो उन्होंने कहा कि भाई फला हमारे फला नगर सेवक साहब ने मना कर दिया, अमुक साहब हमको पुलिस के खिलाफ जाने नहीं दे रहे, वो हमारे वो फला साहब हमको रोक रहे हैं, हमको ही आरोपी बना दिया जाएगा। तो इस तरह से डर का माहौल भी कुछ जो बनाया गया, वो हमारे ही चंद लोगों की तरफ से बनाया गया। इसमें किसी और समाज को दोष देना, किसी अन्य तबके को दोष देना, ये गलत है। दोषी हम हैं, अगर हम पे जुल्म हुआ तो हमने सामने आना चाहिए और निडर होकर सामने आना चाहिए। इंसाफ आज भी ज़िंदा है और काम करने वाले लोग आज भी अकोला में मौजूद हैं।